फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे इस पैंडमिक टाइम में। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्या प्रेगनेंसी में किसी का पेट अंदर ज्यादा अंदर रहना या किसी का पेट ज्यादा बाहर आना ये किस बात का संकेत देता है, इससे कोई किसी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है या कोई इश्यूज हो सकते हैं, प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत हो सकती है। तो ये सारी बातें हम जानने वाले हैं क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को लेकर कंसर्न रहते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन उनके दिमाग में आते हैं कि अरे भाई, हमारा तो पेट कम निकला है तो क्या मेरा बेबी का ग्रोथ सही नहीं हो रहा है। और बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि क्या हमारा पेट बहुत ज्यादा निकला है तो बेबी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि आजकल हम जानते हैं कि बच्चा पेट से ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेके आता है। तो इन सब चीजों के बारे में हम जानेंगे आज और आपसे हम सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो मेक श्योर कि अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाना है और ऐसे ही हमारी फैमिली का हिस्सा बन के रहना है आपको। चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसका जो फोर्थ मंथ से पेट जो टमी है वो दिखना शुरू हो जाता है, ऑलमोस्ट 16 वीक से दिखना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे आपके जो वीक आगे जाते रहते हैं वैसे वैसे आपका जो टमी है वो बाहर और आने लगता है। अब ऐसे में बहुत सारी महिलाओं का क्या होता है कि उनकी टमी जो है 6 मंथ 7 मंथ में भी बहुत बाहर नहीं आती है। उसका रीज़न ये है कि नॉर्मली जो टमी बहुत अच्छे से दिखना शुरू होती है, मतलब बहुत अच्छे से उसका डेवलपमेंट 7वें महीने से शुरू होता है। 7वें महीने से बच्चे का जो वेट है ना बहुत जल्दी गेन होता है, बहुत जल्दी में वो आगे बढ़ता ही रहता है। तो उस टाइम से हमारा जो टमी है वो इंक्रीज होना शुरू होता है और बहुत ज़्यादा विजुअल होना शुरू होता है। किसी किसी फीमेल का तो 6 महीने तक समझ में भी नहीं आता है कि वो प्रेगनेंट है भी या नहीं है। तो 7वें महीने 8वें महीने से हमारा जो टमी है अच्छे से दिखना शुरू होता है क्योंकि उस समय हमारा टमी बहुत जल्दी बड़ा होता है। अब इसमें कुछ लोगों की जो टमी है बिल्कुल कम दिखती है, कैसे है वो? तो उसका रीज़न पूरा ये है कि देखिए, टमी का कम या ज़्यादा दिखना सबसे पहला डिपेंड करता है कि आपकी आपकी जो हाइट है कितनी है। अब मेरी हाइट बहुत छोटी है, मैं 5 फुट की हूँ तो मेरी हाइट बहुत छोटी है, तो मेरा टमी ना प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा दिखता था। मतलब वो भी दिखना शुरू हुआ था 6 मंथ प्लस से, मेरा टमी दिखना शुरू हुआ था। तो मैं भी बहुत टेंशन में होती थी कि क्या मेरा बेबी कमज़ोर है या उसको कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि ऑलरेडी मेरी जो प्रेगनेंसी थी वो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक थी। तो मेरे दिमाग में यही चलता रहता था कि क्या ऐसा कुछ है क्या। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था क्योंकि डॉक्टर ने मुझे ये बताया था कि आपकी हाइट के हिसाब से ना आपकी जो टमी है वो दिखेगी। और टमी एक्चुअली में दिखना 6 मंथ के बाद ही शुरू होता है जब बच्चे का विकास बहुत अच्छे से शुरू होता है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तब जाके मेरी सांस में सांस आई कि हाँ ठीक है, डॉक्टर ने बोला है तो वो ज़्यादा अच्छा मुझसे जानते हैं। तो तब से मैंने टेंशन लेना बंद किया। लेकिन जैसे कि मैंने बोला कि मेरी हाइट शॉर्ट थी, तो शॉर्ट हाइट की वजह से भी जब 9 मंथ में मैं स्टार्ट की ना, मेरा 9 मंथ स्टार्ट हुआ तब मेरी टमी बहुत ज़्यादा दिखती थी। मतलब मटका टाइप में टमी दिखती थी और मुझे ऐसा लगता था कि अरे मेरा मतलब ऐसे कैसे, मतलब मैं अजीब से ऐसे करके चलती थी, ऐसे पीछे हाथ रख के, क्योंकि मेरा टमी बहुत हाइट छोटी है, टमी बहुत ज़्यादा बाहर था। तो इस वजह से मेरे भी दिमाग में एज अ मदर बहुत सारी टेंशंस चलती थी। तो अगर आपने देखा होगा कि जिन लोगों की हाइट बहुत ज़्यादा लंबी है, मीन्स 5'5" है, 5'4" है, उन लोगों की टमी बहुत ज़्यादा नहीं दिखती, क्योंकि आपके हाइट से आपका जो टमी है ना वो डिपेंड करता है कि किस साइड में निकलेगा, कैसे निकलेगा, मटका शेप में निकलेगा, एक्सेस ऐसे निकलेगा या ऐसे करके निकलेगा, लंबाई में निकलेगा, तो वो सब उस पर डिपेंड करता है। तो प्रेगनेंसी में टमी कम या ज़्यादा का कोई मतलब नहीं है। ये चीज़ ज़रूर है कि जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो इस बात का ख्याल रखो कि आपका जो बेबी है उसका वेट वगैरह सब सही होना चाहिए, बच्चे का विकास सही होना चाहिए, बच्चे की हाइट सही होनी चाहिए। टमी के अंदर जब भी आप अल्ट्रासाउंड करवाते हो ना तो डॉक्टर हमेशा वो लेंथ एक लेते हैं, आप कितना लंबा है प्लस वो कितना उसका वेट है, वो सारा चीज़ वो कैलकुलेट करते हैं। तो आपको हमेशा डॉक्टर से पूछना है कि डॉक्टर क्या हमारा बेबी स्वस्थ है या नहीं। अगर आपके बेबी में किसी भी तरह का कोई भी कमी होगा ना तो डॉक्टर आपको बोलेंगे और उसका इलाज भी बताएंगे कि क्या करना चाहिए आपको, जिससे कि आपका बेबी है और उसका जो ग्रोथ है वो अच्छे से हो। तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं होती है कि आपका टमी कम या ज्यादा निकला है। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए आपको, बस आपको अच्छे से अपना ध्यान रखना है, अच्छे से खाना है, अच्छे से पानी पीना है, डॉक्टर जो मेडिसिन देते हैं उसको लेना है
और कोई भी उल्टा काम नहीं करना है, तो आपका बेबी और आप दोनों स्वस्थ रहेंगे और अच्छा अच्छा बेबी आपका आएगा। तो अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए, और इसके साथ ये वीडियो करती हूँ समाप्त। अगर कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो मुझे जरूर क्वेश्चन कीजिएगा, मैं जितना जानती हूँ उस तक आंसर दूंगी। और फिर आप मुझे मेरे इंस्टा पे भी बात कर सकते हैं, तो वहां भी मैं आप सभी के साथ कनेक्ट करती हूँ। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।